कहाँ रह गई? रूही से दवाई मिली भी है या नहीं? तो मैं फोन भी नहीं कर सकती, नहीं तो सिम्मी को शक हो जाएगा। मिली कहाँ रह गई थी तुम? वो एक्चुअली मैं सबके अपने अपने रूम में जाने का वेट कर रही थी, इसी में मैंने आपकी दी हुई नई पोस्ट डाली थी। ये तो वो दवाई है ही नहीं। क्या रूही, जो मेडिसिन मैंने दी थी वो नहीं है, मैंने तो विटामिंस की गोलियां दी थी। और ये वही तो डाली थी। हाँ पर ये वो नहीं है, ये दूसरी मेडिसिन है, वो है जो सिम्मी पहले दे रही थी रमन को। What? How is that possible? डाला possible. मतलब सिमी को पता चल गया कि हमने दवाई बदल दी थी और उसने दोबारा दवाई बदल दी है, इसीलिए तो वो इतनी कॉन्फिडेंट थी, तभी वो कह रही थी कि रमन की आताश कभी वापस नहीं आएगी। तो मैंने सिमी को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, जैसे भी हो मुझे रमन को ठीक करना है और इन दवाइयों का इनका कुछ तो करना होगा। विष्णु सहस्त्र नामम संपूर्णम। ईशु कन्ना, रमन के लिए प्रे कर रही हो ना? मैं भगवान से यही मांग रही हूँ कि उन्हें सब याद आ जाए जल्दी से जल्दी। अम्मा कितना बुरा हो रहा है उनके साथ, उनके अपने उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनके साथ एक ही घर में रह के उनके विश्वास को तोड़ा जा रहा है और उन्हें पता भी नहीं है। तुमने बिल से चेक की? सिमी ने वापस बदल दिए थे, तभी तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आया। हेलो मुरहा, न्यूज़पेपर कहाँ है अम्मा? अभी तो बाहर ही पड़ा होगा, तुम्हारे अप्पा अभी जागे नहीं है ना, फिर कौन लेके आएगा? तुम लेके आना, मैं तब तक सबके लिए कॉफी बनाती हूँ। मद्रासी पेपर कौन पढ़ता है यार? टाइम्स बिजनेस यार, अब्बा तो तमिल न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी, हमारा पेपर है। कैन आई बोरो द बिजनेस एक्सप्रेस प्लीज? कितना अजीब है, ऐसा लग रहा है जैसे सब रिवाइंड हो गया है, ये सब पहले भी हो चुका है। एक्सक्यूज मी, प्लीज और थैंक यू का रिवाज है इस शहर में? या व्हाटएवर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी, हमारे यहाँ प्लीज और थैंक यू कहने का रिवाज है। अच्छा, हमारे यहाँ नहीं है। हंसने लगा चेहरा, हंसने लगा चेहरा, खेलने लगी गलियां, घर आंगन गलियां, हाँ दो हसीन तन मन का ये हसीन बंधन है। पता है मुझे मुरुगन, आप भी यही चाहते हो ना कि हम दोनों साथ आ जाएं।
आप बहुत बड़े सीईओ हैं, आपको नहीं पता कि आपकी कंपनी में क्या हो रहा है। भैया नाश्ता रेडी है। आपकी कंपनी का टर्नओवर क्या है? आपकी कंपनी बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है, अभी रीसेंट प्रोजेक्ट्स क्या क्या चल रहे हैं? अच्छा, उसके रिटर्न्स क्या मिल रहे हैं आपको? गुड मॉर्निंग भाई, व्हाट इज सो गुड अबाउट द ब्लडी मॉर्निंग? ये हो गया पुत्र, रमन। पिछले दो साल से मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है रूबी? मुझे एक चीज की खबर नहीं है। Why is no one reporting to me? भाई, आपकी तबीयत ठीक नहीं थी। जिंदा हो ना? वो औरत कहती है कि मैं सीईओ का अवार्ड जीतने के लायक नहीं हूँ। मुझे पता नहीं मेरे ऑफिस में क्या चल रहा है। It is a question of my reputation और ये अवार्ड मुझे जीतना है। पढ़िए। I'm really sorry to say, भाई, but ऐसा ही होगा। आप अवार्ड नहीं जीत सकते क्योंकि आपको कुछ पता ही नहीं कि ऑफिस में हो क्या रहा है। I'm really sorry, भाई, पर ये आपकी ही गलती है। And how is it my fault? मैंने क्या किया? भाई आपको अच्छे से याद होना चाहिए ये चीज कि आपने सारा का सारा बिजनेस परम और सिमी के हवाले किया है। I'm really sorry, मैं इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि अब मैं उस कंपनी में खास तो कुछ भी नहीं। वैसे भी अगर आपको कुछ भी पूछना है बिजनेस के बारे में या जो भी कुछ, तो आप उन्हीं दोनों को बुला के क्यों नहीं पूछ लेते? That's better. बुलाइए और पूछिए। सिमी, सिमी, परम। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? आपने अपनी मेडिसिन ली? अरे भाई गुस्से में, अब वो इशिता भाप, आई मीन मिस इशिता ने भाई की बहुत बेइज्जती की है। बोला है कि उन्हें काम के बारे में कुछ पता नहीं है, उन्हें अवार्ड नहीं मिलेगा एंड ऑल, तो वही डिस्कस करने के लिए तुम दोनों को बुलाया है। तो भाई उस औरत का ना दिमाग खराब हो गया, आप उसकी बातों को सीरियसली क्यों ले रहे हो? और देखना अवार्ड तो आपको ही मिलेगा, ऐसे नहीं तो वैसे 10 तरीके होते हैं अवार्ड लेने। मुझे और कोई तरीका नहीं आता अवार्ड जीतने का। अवार्ड जीतने का एक ही तरीका होता है, वो है काबिलियत। और बाकी के तरीके मुझे सिखाने की कोशिश मत कर। तुम इंडस्ट्री की सारी बागडोर अब मुझे मेरे हाथों में चाहिए। पिछले दो साल में हमारी कंपनी ने किस किस को टेंडर्स दिए हैं और किस किस कंपनी के टेंडर्स हमने एक्सेप्ट किए हैं, सारी डिटेल्स मुझे चाहिए अभी के अभी। ईच एंड एवरी पेपर, ईच एंड एवरी लीगल डॉक्यूमेंट, जितनी भी छोटी जितनी भी बड़ी हो, मुझे मेरे टेबल पर चाहिए। परम कहाँ है? परम, घड़ी है तेरे पास? 9 बज रहे हैं, 2 घंटे हैं तेरे पास। पीयू इंडस्ट्रीज के सारे ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स, पिछले दो साल में किस किस को कितने पैसे दिए हैं, किस किस से कितने पैसे लिए हैं, सारी की सारी डिटेल मुझे मेरे टेबल पे चाहिए 2 घंटे में। सच में? Exactly. आपको पता है सिम्मी बुआ और परम अंकल की शक्ल देखने वाली थी, वो उनके ना होश उड़े हुए थे एकदम। वाओ, ये सब ना इशिता की वजह से हो रहा है। उसने उकसाया रमन भाई को वो सीईओ अवार्ड के लिए। मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर गलती से भी रमन भाई ने वो फाइल्स देख ली ना। क्या डर गई हो क्या इशिता से? सिम्मी, हाथ पे हाथ रखकर बैठने से कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। छोड़ूंगी तो नहीं मैं उसे, और इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। उसने हमारी बच्ची छीन ली, अब मैं उससे हर वो चीज छीनना चाहती हूँ, हर वो चीज बर्बाद करना चाहती हूँ जिसे वो प्यार करती है। वाओ इशू, सो दिस वाज द प्लान। तुमने सीईओ अवार्ड में इसलिए पार्टिसिपेट किया ताकि रमन अपने बिजनेस पर वापस कॉन्सेंट्रेट करना शुरू कर सके। सोचो जीजू, अभी तक तो रमन को कुछ पता नहीं था, उन्हें याद नहीं था, अब जैसे उन्हें याद आएगा, सच सामने आएगा, पर अब सिमी को कौन बचाएगा? चिकन टंगड़ी? ऐ चिकन बनाने की कोई नवी रेसिपी है? इधर की मतलब है? वॉचमैन, ओ वॉचमैन ओए! जी। तो बैठा है तू?
किए भाई, तेरा क्या मतलब है? नो नॉनवेज, चिकन खाना मना है इस बिल्डिंग में। हैं? अच्छा तो हुन हमें ये बताया जाएगा कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। इससे पहले तो कभी नहीं हुआ। कौन सा चौधरी आ गया इस बिल्डिंग में? किसने लगाया ये वायात पोस्टर? बोल। ओए, समझ आई मैनू, ये जरूर उस मद्रासन के काम है। उन्हें बड़ी मिर्ची लगी रहती है हमसे। ये हमें बताएगी क्या खाए और क्या ना खाए। ये बिल्डिंग इसके बाप की है। ओए, आज के बाद ऐसा कोई इश्तिहार इस बिल्डिंग में लगा ना तो मेरा वादा है तुझसे कि वो तेरी नौकरी का आखिरी दिन होगा। मैं तेनु निकलवाऊंगी नौकरी से। चल उठा। कमाल है, कोई ड्यूटी नहीं है, जिसका जो मर्जी करता फिरे। मीका, मेरे पुत्र मीका, मैं सद के जावा, तू आ गई। तूने बहुत चंगा किया पुत्र, बहुत चंगा किया। जिंदी रहो, जिंदी रहो। तेनू देख के इस वेले मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। चल चल के पहले ना चंगी जी कॉफी पीते, फिर तू मैनू बताना कि ये चेन्नई वाला ट्रिप कैसा रहा और तूने चंगी चंगी साड़ियां खरीदी कि नहीं। आ जा मम्मी जी। हाँ क्यों है? मैं आपके साथ घर नहीं चल सकती। मैं अब पैरी अम्मा से मिलने आई। मुझे पता लगा कि वो लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं तो मैं उनसे मिलकर। मेरी गल सुन, वो मद्रासियों से तो बाद में भी मिल सकती है। उंज भी हुन उन्होंने किधर नहीं जाना। मैनू तेरे नाल एक बहुत जरूरी गल करनी है, तू चल अंदर, उनसे बाद में मिल लेना। आ जा। बात क्या है मम्मी जी? देख मेरा, मैं चाहती हूँ तू उन्हें इधर ही रह जा पुत्र, तू मद्रासियों के यहाँ ना जा। देख मैं मानती हूँ तेरे साथ जो कुछ भी होया ना बहुत गलत होया, पर फिर भी पुत्र घर वापस आ जा। मम्मी जी ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने अपना मन बना लिया, मैं रोमी को डिवोर्स देने वाली। फिर ऐसे में मेरा इस घर में रहना ये ठीक नहीं है। मम्मी जी आई एम रियली सॉरी। तूने डिवोर्स के साथ साथ बहुत बड़ी रकम भी मांगी है, तू उसकी चिंता ना कर पुत्र। वो रकम दिलाने में मैं तेरी हेल्प करूंगी, बल्कि उससे ज्यादा पैसे दिलाऊंगी मैं तेनू। यही तरीका है उसको सबक सिखाने का। मैं समझी नहीं। देख पुत्र, वो रकम मैं तेनू दिलाऊंगी और रोमी से ही दिलवाऊंगी, पर ये सारा कुछ मुकमुका होने तकर तेनू इस घर में रहना होएगा पुत्र। ये बहुत जरूरी है, गलती रोमी ने की है, मैंने तो नहीं की, तू मेरी गलती मान ले पुत्र। मम्मा, मेहका तू अपने कमरे में जा, जाके आराम कर। ये क्या कर रहे हो? क्यों क्यों है? आप उस मीका को इस घर में रहने के लिए बुला रहे हो? क्या हो गया मम्मा आपको? मीका और रोमी का डिवोर्स होने वाला है, जानते हो ना? मम्मी जी हमारा कहने का मतलब ये है कि आप एक बार रोमी से पूछ तो दीजिए कि वो डिवोर्स देना चाहता है या साथ में रहना चाहता है। एग्जैक्टली, और ऊपर से आपने उसको पैसे देने के लिए भी हाँ कर दी। मम्मा आपको समझ है कि हमारा बिजनेस कितने लॉस में जा रहा है? मैंने सारा कुछ नहीं पता, मैंने सिर्फ इतना पता है कि वो मेरी बहू है और मैं नहीं चाहती कि उन दोनों की शादी टूटे। किस्मत देखो जरा इस फैमिली की, सारे रिश्ते टूटते जा रहे हैं। हुन इन्नी मुश्किलों से तुम दोनों मिले हो तो रोमी का घर टूट रहा है और ये मैं नहीं हो रही दूंगी। मम्मा ये आप डिसाइड करोगे क्या? आपने रोमी को पूछा वो क्या चाहता है? मैंनू कुछ नहीं पता कि वो क्या चाहता है क्या नहीं चाहता, मैंनू ये पता है कि मैं क्या चाहती हूँ। मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि हुन मेहका इधर से नहीं जाएगी और जो बोला है वो सुनो तुम दोनों। मेहका को पैसे देने का बंदोबस्त करो बस। कह दिया, पैसों का इंतजाम करो, पैसे तो पेड़ पे उगते हैं ना। जैसे इन दोनों बहनों ने ना इस घर को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं इन दोनों को। कोई आइडिया कि रमन ने यहाँ मीटिंग क्यों बुलवाई? सेक्रेटरी का फोन आया था, पर पता है मुझे फीलिंग पॉजिटिव आ रही है।
मुझे लग रहा सब ठीक ही होगा। ओ मिस इशिता, मिस्टर भल्ला ने आपको भी बुलाया है क्या? प्लीज हैव अ सीट। ओ एवरीवन्स हियर। हेलो मिस्टर भल्ला। आप सबको मैंने यहाँ एक बहुत जरूरी काम से बुलाया है। कल यहां पर मुझसे किसी ने एक सवाल किया था कि मैं अपने बिजनेस के बारे में क्या जानता हूं, और मेरे पास जवाब नहीं था, तो बस कुछ जवाब देने ही बुलाया सबको। आप तो आज शायद आपके पास सवाल कम पड़ जाएंगे, लेकिन मेरे जवाब नहीं। क्या जानना चाहती? बिजनेस कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, बैलेंस शीट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, टेंडर्स। और आप कुछ पूछें उससे पहले आपको ये बता दूं कि 20 साल पहले इस बिजनेस को अपने हाथों से मैंने ही शुरू किया था, और इस मकाम तक भी मैंने ही पहुंचा है। इसलिए ऐसा कोई पहलू नहीं है जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। इसलिए शूट योर क्वेश्चंस नाउ। खैर आप क्या पूछेंगे मैं आपको बता ही देता हूं। लाइट्स डिम कीजिए प्लीज। मिस्टर रमन भल्ला, हम आपके विजन और फ्यूचर प्लान से बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड हैं। आप एक काबिल बिजनेसमैन हैं और यकीनन आप सीईओ ऑफ द ईयर अवार्ड के दावेदार हैं। सो ऑल द बेस्ट मिस्टर भल्ला, मे द बेस्ट सीईओ विन दिस ईयर। थैंक यू। सो ऑल द बेस्ट। क्या लगा था आपको कॉम्पिटिशन से बाहर हूं? आई थिंक बाहर जाने का वक्त अब आपका आ चुका है। देखते हैं, हम भी शौक से दिखाएंगे आपको। वाह भाई, आपने क्या बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। सारे जूरी मेंबर्स काफी इंप्रेस लग रहे थे आपसे। वेरी गुड। आप देखना, ये अवार्ड जीतने से आपको कोई नहीं रोक सकता। रमन, कांग्रेचुलेशन। कोई जल्दी थी है मैंने। कांग्रेचुलेशन। कपड़े फटने से बचाए मैंने अपने। लगता है इस शिक्षिता का शुक्रिया अदा करना चाहिए मुझे। अगर वो मुझे चैलेंज नहीं करती ना, तो मैं तेरे से बाद ऑफिस आकर ये सब। तुम लोग क्या करते मुझसे कि छोटा मोटा नुकसान हो रहा है? पढ़िए फाइलें। बिजनेस का दिवाला निकाल दिया तुम लोग ने। ऐसे होता है बिजनेस। तुम्हारी देख रहे, तुम्हारी जिम्मेदारी में छोड़ा था मैंने बिजनेस। शुक्र मानो जो बैलेंस शीट इनके सामने पड़ी है ना, ये मैंने कल रात को बनाई है। वरना फंडिंग तो दूर लो, कपड़े भेजते थे हमारे बेवकूफ। एवरीवन इन माय कैबिन राइट नाउ। था ना
तुमसे अशोक, मुझे फील हो रहा था कि सब ठीक होने वाला है। एक मिनट, रोमी का मैसेज है। थैंक यू भाभी, आपका मैजिक काम कर रहा है। भाई बैंड बजा रहे हैं, परम की नजारा देखने वाला है। अरे वाह, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स। मतलब मेरा प्लान काम कर गया, आज तो परम का पैकअप हो ही जाएगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।